आवाज आ रही है मेरी, कंफर्म करो। यस सर ठीक। पंद्रह स्टूडेंट आए हैं अभी तक यार। सर सर आपने सर वो प्रांजल को सर ऐड नहीं किया लगता, वो बोल रहा था उसको क्लास शो नहीं होता आपका वाला। एक सेकंड। क्या ये है प्रांजल खुशवा, क्या नाम है, प्रांजल सिंह यादव? किसी को पता है प्रांजल उपाध्याय? सर आईडी उसका, सर उसका आईडी बता रहा हूँ सर, PK 3098243। हो गया ऐड।
बोल दो कोई इसको क्लास ज्वाइन कर देगा। ओके सर, बोल देता हूँ उसको। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक था आपका वर्टिकल कर्व, लास्ट टॉपिक इस यूनिट का। जैसे कि आप इस स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, और एक बार मैं स्क्रीन पे जो लिख रहा हूँ वो दिखाई दे रहा है, कंफर्म कर दो, उसके बाद स्टार्ट करते हैं सर। ठीक है, ठीक। वर्टिकल कर्व सेकेंड यूनिट में लास्ट टॉपिक वर्टिकल, जैसे कि आप इस डायग्राम में इसमें देख सकते हो कैसे इसमें ग्रेडियंट चेंज हो रहा है आपका रोड का, डाउन से अप, स्ट्रेट रोड से डाउन जा रहा है, फिर डाउन से अप जा रहा है, फिर जाके डाउन हो रहा है कहीं पे जाके। तो ऐसे ही वर्टिकल कर्व बनाने के जो रीज़न होता है, रीज़न यही है कि देखो बेटर तो स्ट्रेट रोड ही होती है, बिल्कुल स्ट्रेट रोड ही पे ज़्यादा कम्फर्ट होता है। लेकिन होता क्या है कि अगर हम ऐसे इरेगुलर, इतना बड़ा एरिया है देख रहे हो आप, इरेगुलर एरिया है, इस पर रोड बनाने के लिए अगर ग्राउंड को फ्लैट करेंगे तो बहुत ज़्यादा फिलिंग करनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा फिलिंग करनी पड़ेगी कि वो आउट ऑफ बजट हो जाएगा, बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप ट्रेन में भी देख सकते हो, ये ट्रेन का जो डायग्राम है इसमें भी वर्टिकल कर्व्स हैं। वर्टिकल कर्व अब हमें इस तरह से डिज़ाइन करनी, थोड़ी बहुत तो फिलिंग कटिंग करनी होगी ना, ऐसे तो नहीं जैसा है गिवन उसी पे हम कर्व बना देंगे, थोड़ी बहुत हमें डिज़ाइन तो करनी पड़ेगी कर्व के, इस तरह से कंफर्ट जो है एक ड्राइवर का वो सही रहे, ठीक है, स्पीड लिमिट ठीक रहे और एक्सीडेंट होने के कम चांस हो, ठीक है। तो इस तरह की कर्व डिज़ाइन तो हमें करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो कटिंग फिलिंग करनी पड़ेगी, पर इतनी भी नहीं करनी पड़ेगी कि पूरा उसको कवर करके फ्लैट बनाया जाए। ठीक है, ये बुक की डेफिनेशन है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। व्हेन द ग्रेड लाइन ऑफ हाईवे एंड रेलवे चेंज, ग्रेड लाइन का मतलब क्या है, जो आपका स्लोप है, ये आपके स्ट्रेट ग्रेड है, ये डाउन ग्रेड हो गया, ये आपका अप ग्रेड हो गया, ठीक है, और यहाँ पे फिर डाउन ग्रेड हो गया। तो एक बार यहाँ पे देखो इस वाली कर्व में, इस वाली कर्व के केस में डाउन से अप जा रहा है, और इस वाली कर्व के केस में अप से डाउन जा रहा है, इन्हीं को बोलते हैं हम ग्रेड। तो ग्रेड सच एज क्रॉसिंग लो रिज एंड वैली प्रोविजन फर्स्ट मेड व्हीकल नेगोशिएट दिस ट्रांजिशन स्मूथली एंड प्रोवाइड विजन ओवर द क्रिस्ट ऑफ हिल फार इनफ। ज़्यादातर माउंटेन एरिया में ज़्यादा वर्टिकल कर्व्स होती हैं, बहुत ज़्यादा है ना। अगर फ्लैट एरिया है, प्लेन एरिया है, जैसे कि आपका इधर NCR में लगभग प्लेन एरिया ही है, तो यहाँ पर हमारी वर्टिकल कम मिलती हैं, है ना। या तो कर्व की जो रेडियस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा रेडियस का मतलब क्या है, एक कर्व ये है आपकी और एक कर्व ये है, तो रेडियस किसकी ज़्यादा है, रेडियस इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, ठीक है। तो प्लेन एरिया में ज़्यादा रेडियस वाली कर्व मिलती हैं, मतलब ज़्यादा ऊंचा नीचा नहीं होता, ये ऐसे हल्की सी कर्व होती है। जो माउंटेन हिल एरिया है वहाँ पर ज़्यादा कर्व मिलते हैं आपको इस तरह की, ठीक है। जहाँ पर नहीं, मैंने चेंज नहीं किया, बस वही वर्टिकल कर्व वाला है अभी, ओके, है ना, लिख रहा हूँ, वो दिखाई दे रहा है आपको? यस सर, यस सर। ठीक ठीक, नो सर, नहीं दिखाई दे रहा है सर। सर नहीं दिखाई दे रहा, सर नहीं दिख रहा। देखा होगा किसी को नहीं दिखाई दे रहा तो मेरे एंड पे दिक्कत है, अगर किसी भी एक को दिखाई दे रहा है तो फिर मेरे एंड पे दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे बताओ, सर नहीं दिख रहा, दिख रहा है सर, मेरे को दिख रहा है सर, मुझे दिख रहा है सर, दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा वेट करो, नेटवर्क की वजह से स्लो हो सकता है, थोड़ी देर बाद फिर आए वो, ठीक है। वैसे इतना खास मैं लिख नहीं रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वही लिख रहा हूँ। मैं ये बता रहा था कि किसी भी कर्व की आप किसको रेडियस ज़्यादा बोलोगे, किसको रेडियस कम। जो कर्व हल्का सा कर्व है उसकी रेडियस ज़्यादा होती है, जो बहुत ज़्यादा कर्व है ना उसकी रेडियस कम होती है। तो मैं बोलूँगा प्लेन एरिया में जो कर्व होती है उनकी रेडियस ज़्यादा होती है, और जो हिली एरिया है वहाँ पर जो कर्व होती है उनकी रेडियस कम होती है। रेडियस कम का मतलब है ज़्यादा कर्वेचर, मतलब कि ज़्यादा गहराई या ऊंचाई जो बोलेंगे वर्टिकल कर्व ज़्यादा आ रही है, ठीक। अब मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, इसको बताना स्लाइड चेंज होती है या नहीं। हो गई चेंज, नहीं सर, हो गई, यस सर, हो गई, ठीक, हो गई सर, ठीक।
तो इसमें आप तीन डायग्राम देख रहे हो ए बी सी, ठीक है। ए में क्या है आपका ग्रेडियंट जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जा रहा है, ठीक है। डाउनवर्ड को नेगेटिव बोलते हैं और अपवर्ड को पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों ग्रेडियंट सेम रेट से जा रहे हैं। सेकंड डायग्राम में अगर हम जाते हैं तो वहां पे आप देखोगे कि ग्रेडियंट एक माइनस में है, दूसरा भी माइनस में, फिर डाउनवर्ड जा रहा है, लेकिन उनका रेट ऑफ चेंज जो है वो अलग अलग है। सेम सी डायग्राम में देखोगे आपका जो ग्रेडियंट है वो पॉजिटिव है, अपवर्ड ही जा रहा है, लेकिन रेट दो बार चेंज हो गया है उसमें, ठीक है। एक चीज और ठीक है ये तो ये तीन तरह के ग्रेडियंट यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं कि ए रेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आपका डाउनवर्ड रोड डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है। थोड़ा सा डाउनवर्ड जाती है एक रेट से कि इतने मीटर पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे आपका इतना डाउनवर्ड गया स्लोप, लेकिन उसके बाद फिर उसके स्लोप के बाद एक दूसरा रेट ऑफ से डाउनवर्ड चला गया। तो दो नेगेटिव ग्रेडियंट भी आ सकते हैं, दो से ज़्यादा पॉजिटिव ग्रेडियंट भी आ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल सिंपल कर्व जितना ग्रेडियंट डाउनवर्ड है उतना ही ग्रेडियंट आपका अपवर्ड है। तो इतने टाइप की कर्व डिपेंड करती है किस तरह का स्पेस एरिया आपको वहाँ पर अवेलेबल है। अब ये ग्रेडियंट की बात कर रहा है कि होता क्या है। द ग्रेन में भी डिफाइन द प्रोपोर्शन ऑफ राइज एंड फॉल, ध्यान रखना ग्रेडियंट जो मैं प्लस माइनस कह रहा हूँ वो एक राइज एंड फॉल प्रोपोर्शन है, ठीक है। टू स्ट्रेट लाइन एट मे बी एक्सप्लेन आइदर फॉलोइंग टू वे, इसको परसेंटेज में बताते हैं, जी से डोनेट करते हैं, डिनोट करते हैं और परसेंटेज में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है उन्होंने, द ग्रेडियंट एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज इन ए वर्टिकल राइज एंड फॉल हॉरिजॉन्टल ऑफ 100 यूनिट, फॉर एग्जाम्पल प्लस 3% मीन्स द स्लोप 3 मीटर ऑफ। ये कह रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 100 मीटर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 100 मीटर, और फिर वहां से ग्रेडियंट अप की ओर जा रहा है और वहां पे लिखा हुआ है प्लस 3%। इसका मतलब है अप जा रहा है 3%, यानी 3 मीटर अप गया स्लोप, इसका मतलब ये है, ठीक है। और इसको रेशियो से भी हम दिखा सकते हैं, जैसे कि जिस तरह से स्लोप दिखाते हैं आपने देखा होगा, अगर इस तरह से स्लोप है तो उसको इस तरह से रेशियो से दिखाते हैं 1/x, इस तरह से भी दिखा सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादातर जो है प्लस और नेगेटिव में ग्रेडियंट जी से डिनोट किया जाएगा, दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट। जब भी मैं ग्रेडियंट शब्द बोल रहा हूँ ना, तो आप ये समझना कि रोड में नीचे की तरफ डाउनफॉल और ऊपर की तरफ अपफॉल, पॉजिटिव ग्रेडियंट बोल रहा हूँ तो ऊपर की ओर रोड जा रही है, और नेगेटिव ग्रेडियंट बोल रहा हूँ तो नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, समझने में आसानी होगी इसमें। द रेट, रेट का मतलब होता है किस रेट से जा रही है, एकदम अचानक से स्टीप डाउन या स्टीप अप जा रहा है या धीरे धीरे डाउनवर्ड जा रहा है, उसी को बोलते हैं रेट क्या है उसका। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेडियंट पर चेन लेंथ इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम, एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ टू ग्रेडियंट मीटिंग एपेक्स डिवाइडेड बाय द लेंथ ऑफ द कर्व। कह रहा है कि रेट की इक्वेशन दी हुई है कि जो दो रेट हैं, दो ग्रेडियंट हैं g1 - g2, उनका डिफरेंस डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व इन चेन्स, ठीक है। इस इक्वेशन को समझना, रेट ऑफ ग्रेडियंट की बात हो रही है और इसका फॉर्मूला क्या है, g1 - g2। अब हो सकता है g1 पॉजिटिव हो, g2 नेगेटिव हो सकता है, g1 नेगेटिव हो, g2 पॉजिटिव हो सकता है, दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो। इसका डायग्राम से समझा देता हूँ, अगर दोनों पॉजिटिव है तो कैसे होंगे, अपवर्ड जा रहा है, ठीक है, और फिर दूसरे रेट से अपवर्ड जा रहा है, तो g1 पॉजिटिव 1 और प्लस g1 पॉजिटिव, g2 पॉजिटिव, डाउनवर्ड जा रहा है, फिर डाउनवर्ड दूसरे रेट से जा रहा है, तो g1 नेगेटिव और g2 नेगेटिव, और आपका पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरह से होगा, ये g1 नेगेटिव है और ये पॉजिटिव g2 है। अगर आप इस तरीके से आपका जा रहा होगा वर्टिकल कर्व, तो g1 पॉजिटिव और g2 नेगेटिव, तो ये कंडीशंस हो सकती हैं आपकी, ग्रेडियंट किसी भी टाइप का हो सकता है, लेकिन इक्वेशन आपको यही लगानी है, g1 - g2 डिवाइड बाय कैपिटल एल, और कैपिटल एल की लेंथ जो है वो वर्टिकल लेंथ है, वर्टिकल कर्व की लेंथ इन चेन, इन चेन लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, गिव द रेट ऑफ चेंज ग्रेडियंट इज कांस्टेंट पैराबोलिक वर्टिकल का रिकमेंड वैल्यू ऑफ द एरिया ऑफ ग्रेड, ये रिकमेंड वैल्यू दी हुई है आपकी कर्व की ग्रेडियंट की,
जैसे अगर फर्स्ट क्लास रेलवे की बात करें तो वहाँ पे 0.3% सबमिट कर में और सेक कर में 0.15%। इस तरह सेकंड क्लास रेलवे का ट्रैक अगर हम डिजाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे वर्टिकल कर्व जो है सबमिट के लिए 0.6 और सेक के लिए 0.3। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सबमिट और सेक कर्व क्या होते हैं, ठीक है? एक होता है सबमिट, एक होता है सेक कर्व, दो टाइप के आपके वर्टिकल कर्व होते हैं। एक स्लाइड शायद मिस हो रही है, एक मिनट होल्ड करना, जरा देख लो। इसमें अगर आप डेफिनेशन में जाओगे ना, डेफिनेशन, देखो यहाँ डेफिनेशन में ये चीज बताना मैं भूल गया था कि ए पैराबोला इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एज अ वर्टिकल ड्यू टू सिंपलिसिटी इन कैलकुलेशन, ऑफसेट फॉर सेटिंग एट द वर्टिकल कर्व, इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट वर्टिकल। ये कह रहा है कि जो वर्टिकल कर्व है मोस्टली कॉमनली हम कौन सी कर्व डिजाइन करते हैं, पैराबोला, क्योंकि एक तो सिंपल है कैलकुलेशन में और सेटिंग आउट करने में भी इसकी सिंपलिसिटी है, इसलिए हम पैराबोला कर्व हम मोस्टली यूज करते हैं। ये मैं इसलिए लाइन बताने वाला था क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें आ रही हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर अराइज होता है कि ये पैराबोला की इक्वेशन ही क्यों ली हमने, ठीक है? इसलिए डेफिनेशन पे गया था, इसलिए ली कि इसकी इक्वेशन भी हमें पता है, इजिली सॉल्व भी हो जाएगी और सेटिंग आउट जब करेंगे वर्टिकल कर्व की वो तो उसकी भी कैलकुलेशन हो सकती है। तो पैराबोलिक की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ठीक है? अगर हम स्लोप निकालें तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टू ए एक्स हो जाएगा और यहाँ बचेगा बी, ठीक है? इसको दोबारा अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप आ जाएगा, वो आ जाएगा डी स्क्वायर बाई वाई डी एक्स का इक्वल टू टू ए, ठीक है? और टू ए क्या है, हमारा एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है? कुछ नहीं किया ऐसे, बिल्कुल मतलब कि कंफ्यूज मत होना। वर्टिकल कर्व में ये कह रहा है कि मोस्टली यूज होती है पैराबोलिक कर्व, पैराबोलिक की इक्वेशन ली हुई है, ठीक है? कर्व का स्लोप निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएट कर दिया है, उसका स्लोप का रेट निकालने के लिए उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया है, यहाँ पे और कुछ नहीं किया है, ठीक है? बाद में इक्वेशंस यूज होंगी और कैलकुलेशन के लिए, ठीक है? अब यहाँ आता है टाइप ऑफ वर्टिकल, टू टाइप्स की होती है, सबमिट कर्व, सैग और वैली कर्व। जैसे अभी हमने बताया था, अभी आया था एक टेबल बनी थी जिसमें दिया हुआ था कि कितना परमिसिबल वैल्यू है ग्रेड की, सबमिट कर्व के लिए अलग, सैक कर्व के लिए अलग और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास रेलवे के लिए अलग दिया हुआ था टेबल में, ठीक है? उसको तो देख लेंगे हम बाद में। अब सबमिट कर्व क्या होती है, जब हम अप से डाउन की ओर जा रहे होते हैं, पहले अप जाते हैं फिर डाउन की ओर जाते हैं, ये होता है आपका सबमिट कर्व। इफ़ ए वर्टिकल कर्व हैव इट्स कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड इट्स कॉल्ड सबमिट कर्व, ठीक है? तो इसी को हम सबमिट कर्व कहते हैं। अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखोगे, तीन डायग्राम दिए हुए हैं, पहला डायग्राम जो है ए, उसमें क्या है आपका अपवर्ड गए और फिर डाउनवर्ड गए, तो एक तो इस तरह की होगी आपकी सबमिट कर्व। दूसरे डायग्राम में दिया हुआ है पहले अपवर्ड गए फिर दोबारा अपवर्ड ही जा रहे हैं, लेकिन रेट ऑफ द ग्रेड अलग है, जा रहे अपवर्ड ही हैं लेकिन रेट ऑफ द ग्रेड अलग अलग है, ठीक है? तीसरे डायग्राम में जा रहे हैं हम डाउनवर्ड, लेकिन डाउनवर्ड में क्या है, हम रेट ऑफ ग्रेड क्या है, अलग है दोनों का। फिर नीचे है आपका सबमिट कर्व, सैग वैली कर्व, सॉरी। ए वर्टिकल हैवी कॉन्सी डाउनवर्ड और इट्स कॉनकेव अपवर्ड एंड इस कॉल्ड सैग कर्व। इसके डायग्राम दिया हुआ है ये आपका, इसके बाद है इसका डायग्राम, ये रहा, है ना? मैं यही सोच रहा था कुछ चीज़ मिस हो रही है, जो डायग्राम मैंने पहले स्टार्टिंग में बताए थे ना सैग, ये सैग के, उससे पहले वाली वो स्लाइड थी, कोई बात नहीं, ठीक है? ये सैग के डायग्राम है, इससे पहले डाउनवर्ड जा रहे हैं, ठीक है? डाउनवर्ड से फिर अपवर्ड जा रहे हैं, इसको बोलेंगे हम सैग वैली कर्व। उसके बाद था कि ग्रेडियंट क्या होता है, उसके बाद हमने पढ़ा था ये क्या कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड क्या होता है, ग्रेडियंट आर इज इक्वल टू जी वन माइनस जी टू,
और उसके बाद टेबल दी हुई थी यहाँ पे, ये फिर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल के बाद आगे चलेंगे हम। ए वर्टिकल कर्व हैज अपवर्ड ग्रेड 2.5% फॉलोड बाय डाउनवर्ड ग्रेड इज 0.5% रिकमेंड ऑफ चेंज ऑफ ग्रेड इज आर की वैल्यू, चेंज ऑफ ग्रेड रेट चेंज ऑफ ग्रेड है दिया हुआ है तो आर की वैल्यू होगी पर चेन ऑफ 20 मीटर, यानी कि एल की वैल्यू क्या हो गई कैपिटल एम, एल की वैल्यू 20 मीटर, स्मॉल आर की वैल्यू हो गई 0.15%, ये हो गया जी वन प्लस और ये हो गया माइनस जी वन परसेंटेज में, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही चीज गिवन है, ये अब फॉर्मूला आपने निकाला लगा दिया, ठीक है। और इसमें क्या निकाला है इन्होंने, कैपिटल एल किसमें मीटर्स में, ठीक है, पर 20 मीटर चेन, वन चेन की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, नंबर ऑफ चेन आया 20, 20 से मल्टीप्लाई किया 400 मीटर आपका यहाँ पे आ गया। मैंने यहाँ पे एल इसको बता दिया था, एल नहीं है ये, यहाँ पे मैंने इसको बोल दिया था एल है ये, ठीक है। एल होता है आपका टोटल, ये स्मॉल पर चेन का इसमें गिवन है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, जैसे मैंने गलती कर दी ऐसे हो सकती है, यहाँ इस चीज को नोट करना, यहाँ पे पर चेन दिया हुआ है 20 मीटर, ठीक है। टोटल दिया होता, टोटल कितनी चेन है तो आपका कैपिटल एल होता। तो बहुत सिंपल है, इस तरह का न्यूमेरिकल आता है, बहुत सिंपल सी इक्वेशन, एक बार और समझना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। वर्टिकल कर्व में ग्रेडियंट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, ठीक है। उस ग्रेडियंट का रेट निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है कि g1 माइनस g2 डिवाइड बाय l, r है रेट, g1 g2 है ग्रेडियंट, l है लेंथ इन चेन, ठीक है, वर्टिकल कर्व की लेंथ इन चेन, और r जो है आपका वो पर चेन रेट है, ठीक है। अगर आपको डायग्राम में दिया हुआ है न्यूमेरिकल में 0.15% पर चेन, और पर चेन में इसने क्या लिख दिया पर 20 मीटर चेन, यानी एक चेन की लेंथ भी इसने बता दी 20 मीटर है। तो जो भी नंबर ऑफ चेन निकल के आया कैपिटल एल में उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो 400 आ रहा है ना ये वर्टिकल कर्व की लेंथ आ रही है, ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। चलो अब ये ज्योमेट्री ऑफ वर्टिकल कर्व, इसमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसमें थोड़ा सा ध्यान फोकस देना पड़ेगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि अलग हर बुक में ना ये चीजें है ना, ऐसी चीजें जो ज्योमेट्री होती है ना कर्व की सर्वेइंग में, हर बुक में नाम अलग होंगे, चीजें अलग होगी तो बहुत कंफ्यूज होंगे। जैसे आपने, मैं इसमें से पढ़ा रहा हूँ आपको और आपने दूसरी बुक में यही टॉपिक खोल के देखा तो बहुत बुरे कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसका कॉन्सेप्ट समझ लेना बिल्कुल सिंपल सा है, क्योंकि इसके डायग्राम थोड़ा अलग है। तो मैं क्या करता हूँ एक बार इनको बता देता हूँ। ओ ए क्या टेंजेंट हैविंग g1 प्लस, आगे डायग्राम में समझा दूंगा, g1 प्लस ग्रेडियंट। ए बी क्या है g2 प्लस ग्रेडियंट, g2 माइनस। पी क्या है पॉइंट है, किसी भी जो कर्व है आपकी वर्टिकल उस पर कहीं भी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स और वाई, ठीक है। जैसे हमने लास्ट एक उसमें किया था ना, क्या कहते हैं ट्रांजिशन कर्व में, कि कर्व पे कोई भी एक पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जहाँ पे जहाँ से कर्व स्टार्ट हो रही है वहाँ से डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल एक्स होगी और वहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन से वर्टिकल डिस्टेंस वाई होगी, तो उसके कोऑर्डिनेट वाई कोई भी एक पॉइंट कर्व में कहीं पर भी, ठीक है। ई पी एच वर्टिकल ऑफसेट ऑफ पी, पी का वर्टिकल ऑफसेट, ठीक है, ये पता चल जाएगा अभी मैं बता दूंगा। ड्रॉ ए लाइन ई एफ परपेंडिकुलर, नीचे जो लिखी हुई है ना लाइन, ये आपको याद हो तो आपको पैराबोला का एक बार जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये इक्वेशन आती है, है ना, वाई इज इक्वल टू था ना 2x² + bx, जब उसको डिफ्रेंशिएट किया था तो dy by dx हो जाता है, ठीक है। तो ये dy by dx क्या है, स्लोप है, ठीक है। अब इन सब चीजों को डायग्राम में हम समझते हैं, ये है डायग्राम, ये वर्टिकल कर्व है जिसमें दो ग्रेडियंट आ रहे हैं, एक पॉजिटिव g1 एक नेगेटिव g2, कोई भी पॉइंट कर्व पे p, ठीक है, ऑफसेट h ये हाइट है, ऑफसेट h टेंजेंट से, और ये y इसका हो गया आपका एक कोऑर्डिनेट, एक हो गया x कोऑर्डिनेट, o हो गया आपका जहाँ से कर्व स्टार्ट है, a पॉइंट हो गया जहाँ पे दोनों टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इसमें तो कुछ समझने वाली बात नहीं है, सिंपल है। अब नीचे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन भरी चीजें दी हुई हैं इसलिए ध्यान से इसको देखना।
डायग्राम समझ में आ गया है तो चीज समझ में आ जाएगी। अगर x इज इक्वल टू जीरो हो, अभी इस पार्ट को मत देखो, इसको मत देखो अभी, ठीक है, वरना कंफ्यूज जाओगे। x इज इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, तो आपके पास जो इक्वेशन थी dy बाई डी एक्स क्या थी, 2ax + b, ठीक है, ये है आपके पास। अगर आपका x बराबर जीरो हो, x बराबर जीरो, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू बी, ठीक है। और dy बाई डी एक्स बराबर क्या होता है वो भी देख लो, dy बाई डी एक्स, यहाँ पे थोड़ी सी इन्होंने डायरेक्ट लिख देते हैं ना बुक में, ये समझ में नहीं आती, जैसे ये डायरेक्ट लिख दिया है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस जी वन। जिस बच्चे की मैथमेटिक्स और ये ज्योमेट्री अच्छी होगी उसको पता चल जाएगा कि ये जी प्लस वन कैसे आया, लेकिन वरना ये इसमें समझना पड़ेगा। इस ट्राइंगल में, ठीक है, अगर मैं टेन थीटा लगा दूं, थीटा क्या है इसमें, ये जी प्लस वन है ग्रेडियंट, क्योंकि यही तो चेंज हो रहा है, जब भी तो ये स्लोप हमारा बन रहा है, ठीक है, और स्मॉल एंगल है तो उसको जी प्लस वन ले लोगे, ठीक है, और स्लोप क्या है आपका dy बाई डी एक्स। इस तरह से इसको समझना, समझना है तो उसको याद कर लेना, ठीक है। यहाँ तक कुछ नहीं है, क्या क्या है, हमने जो पैराबोलिक की इक्वेशन थी उसमें x बराबर g रख दिया, जीरो रख दिया, और हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू b है वो g1 आ गई। अब यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स था, इक्वेशन क्या थी हमारे पास पैराबोलिक की, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ये थी पैराबोलिक की, और b बराबर हमारा क्या निकल के आया, g1, तो यहाँ पे g1 की वैल्यू रख दी, तो इक्वेशन अब ये हो गई, ठीक है। अब ये इक्वेशन क्या है, ep इज इक्वल टू ई एफ माइनस पी एफ, ये क्या है ये भी समझ लो, ये निकालने की कोशिश कर रहा है ये h ऑफसेट, ऑफसेट निकल जाता है ना तो हमें कर्व पे पॉइंट निकल जाते हैं, तो h इज इक्वल टू क्या होगा ई एफ, एच को पहले क्या बोलेंगे हम, ई पी, एच को बोलेंगे ई पी इज इक्वल टू ई एफ माइनस ई एफ में से पी एफ माइनस कर देंगे, ये इक्वेशन होगी h को निकालने के लिए, यही इसने यहाँ पे गिवन है। ये री, इन सबको मिटाते हैं पहले, हाँ, ये है पैराबोलिक की इक्वेशन जिसने b की वैल्यू डाल दी है g1, ये है h की इक्वेशन, ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दिया गया है ep बराबर h है, pf बराबर y है, लेकिन ef बराबर g1 x कैसे है, यहाँ पे ये कंफ्यूजन है कि ex ef बराबर g1 x कैसे है, तो इसको भी डायग्राम से समझना। ef की वैल्यू E और F, EF की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, किसके बराबर हो जाएगी, X G1 अगर इसमें tan थीटा आप लगाओगे, ये यहाँ पे। अब हमारे पास दो इक्वेशन है, एक है पैराबोलिक की Y की जिसमें हमने B को रिप्लेस किया है G1 X से, एक H है जिसमें हमारे H बराबर G1 X और Y है। इन दोनों इक्वेशन में अगर मैं y की g1 x की वैल्यू यहां से निकाल के यहां पुट कर दूं तो देखो ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, h इज इक्वल टू g1 माइनस y था ना, तो g1 की वैल्यू मैंने यहां से निकाल के यहां पुट कर दी तो ये इक्वेशन आ गई। इसमें y से y कट गया, माइनस ए एक्स स्क्वायर हो गया, तो h इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए एक्स स्क्वायर, इसको कॉन्स्टेंट मान लिया माइनस a को c, तो ये हो गया सी एक्स स्क्वायर, और इसको पूरे को फिर कॉन्स्टेंट में कन्वर्ट कर दिया के एन स्क्वायर, किसी भी चीज़ में लिख सकते हो आप, एक्स में भी लिख सकते हो, लेकिन एक्स में कंफ्यूजन हो जाओगे इसलिए इसको के एन स्क्वायर में लिख दिया, क्योंकि एक्स होता है कहीं से डिस्टेंस। अब ये क्या निकल के आया है, ये कह रहा है के कॉन्स्टेंट है, एन जो है नंबर ऑफ कॉर्ड है, ठीक है। अब इसको सबको आप चीज़ को समझ गए हैं, लेकिन एक बार में थोड़ा सा इसको और डिस्क्राइब करता हूँ, कहाँ क्या रहा है, करना क्या है इनको। ये हमारी एक वर्टिकल कर्व है, ये ठीक है, जब इस वर्टिकल कर्व में दो ग्रेडियंट हैं, g+1 g2-, ठीक है,
हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका ये एच ऑफसेट, क्योंकि हमारे पास ग्रेडियंट अगर है तो हम कर्व ड्रॉ कर सकते हैं इस एच की हेल्प से, ठीक है। तो एच है ये ऑफसेट है इस कर्व के इस पॉइंट से, एच की डिस्टेंस, ये वाई डिस्टेंस है इस पॉइंट की वर्टिकल और ये है एक्स कोऑर्डिनेट। और क्योंकि ये हम मोस्टली यूज करते हैं पैराबोला, तो हमने पैराबोला इक्वेशन लगाई और उन सबको सॉल्व करके करके हमने एच को निकाला, एच को निकाला, एच को जब हमने निकाला तो वो एक कांस्टेंट की फॉर्म में आ गया सी एक्स स्क्वायर। अब एक्स क्या है, एक्स को बाद में उन्होंने एन लिख दिया है, लेकिन एक्स है क्या, जरा ध्यान से देखो, एक्स एक कोड है, ठीक है। अगर हम इसे मल्टीपल कोड लगाएं, जैसे हम लगाते थे ना उसमें एक कोड ये रहा, एक कोड ये रहा, और हम इस कर्व की बात करें तो डिस्टेंस यहाँ से ये एक्स होगी ना, और अगर एक्स को हम पूरा मान ले इस कोड तक तो ये एन वन कोड हो गई, ये N2 कोड हो गई। लेकिन अगर हम फुल कोड की बात करें तो X किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल N के बराबर, ठीक है। ये रहा, तो जो H ऑफसेट है वो हम किसकी फॉर्म में लिया है, एक तो K है, K कांस्टेंट वैल्यू है, और एक N है नंबर ऑफ कोड, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने एन एल इज इक्वल टू टू एन, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है टू एन, इसको भी समझ लो। ये आपकी मान लो एक सिंपल कर्व है, कर्व में ये एक कोड है और यहाँ बीच में एक सेंटर लाइन है मिड कोऑर्डिनेट की, तो L इज इक्वल टू क्या है, टोटल कर्व की लेंथ, टोटल कर्व की लेंथ है L, ठीक है। और ये इसको उसको उन्होंने बोला हुआ है हाफ कोड को बोला हुआ है N, ठीक है। तो हमें पता है कि जब एक सब कोड होती है या कोई भी कोड होती है उसमें क्या कहते हैं, कोड की लेंथ इज इक्वल टू कर्व की लेंथ माना जाता था। तो क्या होगा इसमें, L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n कोड, ठीक है। अब इसको अगर हम सब कोड में डिवाइड कर दें, एक इधर एक इधर, अब बताओ यहाँ पे कितने कोड बने हैं, यहाँ पे चार कोड बने हैं, ये हो गया n1 n2 n3 n4। तो टोटल कर्व की लेंथ क्या हो जाएगी, L इज इक्वल टू 2 इंटू n1 प्लस n2, क्योंकि जो हाफ इधर है वही हाफ इधर है, इसलिए इसने 2n कोड बोला गया है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट था। अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे वो एक और है थोड़ा, वो भी इस तरीके से दिया हुआ है, उसको और समझ लेते हैं। तो वर्टिकल कर्व आपका हो जाएगा, इसमें दिया हुआ डिटरमाइन दी के वैल्यू। अच्छा, एच जो ऑफसेट है, मतलब कि किसी भी कर्व पे कहीं पर भी कोई भी पॉइंट है उसका ग्रेडियंट से डिस्टेंस एच हम निकाल सकते हैं कैसे, किस फॉर्मूले से, के एन स्क्वायर। एन तो पता चल गया हमें नंबर ऑफ कोड हैं, ठीक है, बट के की कांस्टेंट, के की वैल्यू हम कैसे निकालें। अगर के की वैल्यू भी पता चल जाए और नंबर ऑफ कोड तो पता ही होंगे हमें, तो हमें एच मिल जाएगा और कर्व को हम बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो क्या करना है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने के की वैल्यू निकाली है। के की वैल्यू कैसे निकाली है, अभी यहाँ पे इस चीज को याद कर लो बस, फिर मैं डायग्राम में समझाता हूँ ये है क्या। ओ इज इक्वल टू ओ सी ए सी, CD is equal to NE1 और DB is equal to minus N2, ठीक है। इसको याद कर लेना, फिर आगे इसको बताता हूँ क्या है, इस डायग्राम में समझते हैं। ये एक कर्व है जिसमें दो ग्रेडियंट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हम पॉजिटिव ग्रेडियंट को एक्सटेंड कर दें तो एक लाइन बनती है, और अगर हम यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचें और इसको वर्टिकली कनेक्ट कर दें तो यहाँ पे डैश डैश वाली लाइंस बन जाती हैं, ठीक है। अभी उसमें क्या बोला गया था, जो अभी डायग्राम अभी जो मैंने दिखाया, मैं सी डी वन, सी डी इज इक्वल टू एन ई वन और डी बी बराबर एन ई टू, ये दिया हुआ है माइनस में। इसको समझ लिया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है इसका। इस ट्रायंगल में याद हो आपको, ये डिस्टेंस हमारी निकली थी एन, यानी एन था हमारा एक्स और ग्रेडियंट था जी वन। ये डिस्टेंस हमने अभी लास्ट में निकाली थी तो x g1 आ रहा था। सेम एज इस ट्राइंगल में अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या डिस्टेंस होगी, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है n, और ये ग्रेडियंट क्या है e1, ये ग्रेडियंट e1 है यहाँ पे एक्सटेंड जो किया हुआ है। एक्सटेंड से पहले जो है वो एक्चुअल है g1, और जो एक्सटेंड किया हुआ है वो है e1। इसी तरह इस वर्टिकल डिस्टेंस में इस ट्राइंगल में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स जी2 था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा एन ई टू। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रही है तो मैं इसकी डेफिनेशन दिखा देता हूँ, जब ये के वैल्यू क्या बोल रहा था। यहाँ पे देखो आप,
क्या बोल रहा है कि OC is a tangent OA produced at point C, ये तो पता है जो gradient बना रहा है in a vertical above B. The line AD is horizontal line through which a point intersection of two A OAB G1, ये ठीक है, G+1 और G2 minus respectively gradient है, ठीक है. The rise and fall corresponding to G1 and G2 per chord length L and E are respectively, ठीक है, पर कोड लेंथ है G1 G2, लेकिन उसके बाद जो एक्सटेंड किया हुआ है ना वो भी हमारे ग्रेडियंट है, लेकिन उनको हमने किस फॉर्म में बताया गया, E1 प्लस E2, ठीक है, इस G1 ना कह के हमने E1 उसको बोल दिया है. यहाँ पे ये जो ग्रेडियंट है G1 और ये जो डिस्टेंस x थी हमारी लास्ट उसमें स्लाइड में, वहाँ पे हमने जब h निकालने के लिए AF की वैल्यू हमने क्या रखी थी वहाँ पे, xG1. सेम एज इस ट्राइंगल में अगर ये ग्रेडियंट E1 है तो यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल n है तो n E1, और डाउनवर्ड में माइनस लग जाता है तो n E2 और माइनस. ये बस इसमें समझने वाली चीज है, ये याद भी कर सकते हो, उसको ज्यादा डीपली इसमें जाना नहीं है. और BC क्या हो जाएगा आपका, BC टोटल हो जाएगा CD प्लस BD, यहाँ पे गिवन है CD प्लस DD, CD बराबर n E1, DB बराबर n-E2, n कॉमन आ गया, E1-E2 आ गया, BC बराबर kn² जो हमने निकाला था h, ठीक है, n बराबर 2n था तो k बराबर 2n² हो जाएगा, तो 4kn² हो जाएगा. और यहाँ पर BC हमने इस तरीके से E की फॉर्म में निकाला, दोनों को इक्वेट करोगे तो आ जाएगा 4kn² = n E1 - E2, और k की वैल्यू इससे आ जाएगी हमारी E1 - E2/4n. इन अबाउ इक्वेशन साइन E1 into must be taken obtaining the k वैल्यू. इस तरह से हम इसकी k की वैल्यू निकाल लेंगे. थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि हाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा है, इसको थोड़ा सा मैं वैसे एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या है. इन्होंने वर्टिकल कर्व तो आपको पता चल गई क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कर्व में जब हम डायरेक्शन चेंज करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कर्व बनती है, कितने टाइप की हॉरिजॉन्टल कर्व होती हैं. और जो वर्टिकली इरेगुलर ग्राउंड है जिसमें हम अर्थ की सरफेस को फ्लैट नहीं कर सकते तो वहाँ पर वर्टिकल कर्व हो जाती है, और मोस्टली यूज करते हैं पैराबोला. पैराबोला इक्वेशन से हमने कर्व पे कोई पॉइंट पी लिया है तो उसकी डिस्टेंस टेंजेंट से जहाँ पे दोनों टेंजेंट मीट हो रही है वहाँ से डिस्टेंस एच जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया पैराबोलिक इक्वेशन से. जब एच हमने निकाला तो एच में एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आई के. अब कॉन्स्टेंट वैल्यू के को निकालने के लिए हमने क्या किया, कुछ इमेजिनरी लाइन खींची, उनको कुछ इमेजिनरी ग्रेडियंट दिया, ठीक है, उनको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है. कैलकुलेट कैसे करना है, जैसे कि ये जो है ये है आपका, क्योंकि आपको ये पता है ग्रेडियंट पता है, इसको आपने सीधा एक्सटेंड किया और यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींची, ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट किए तो ये डिस्टेंस पता है आपको, ठीक है. नंबर ऑफ कॉर्ड भी आपको पता है, तो जब एन और ईवन आपको पता है तो जब हम इन सबको सॉल्व करके नीचे आए तो हमें इक्वेशन मिल गई के की E1 - E2/4n, तो के भी निकल गया. तो जब हम एच निकालना चाह रहे हैं उसमें के कॉन्स्टेंट आ रहा है और यहाँ पे हमने इस इक्वेशन से के भी निकाल लिया है तो आप के को वहाँ एच में पुट कर देंगे तो एच निकल जाएगा. और एच अगर हम एच में हम क्या वेरी करते जाएंगे, हमारे पास एच में कोड है, नंबर ऑफ कोड वेरी करते जाएंगे तो हमें पॉइंट्स मिलते जाएंगे, ठीक है. और नंबर ऑफ कोड जो है एन जो है स्मॉल एन वो क्या है, स्मॉल स्मॉल कोड जो हमें क्या कैसे होते हैं, सब कोड होते हैं, याद हो तो सब कोड क्या होते हैं, फुल चेन लेंथ 20 मीटर की यूज कर रहे हैं 30 मीटर की यूज कर रहे हैं, ठीक है. तो अगर हम एन बराबर हम रखें 20 मीटर तो हमें एच मिल जाएगा, वो पॉइंट मिल जाएगा कर्व का, ठीक है. तो इस तरीके से हम कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं, यही एम है. अगर ये समझ में भी नहीं आया हो तो एक बार इसको रीड कर लेना और इसको याद कर लेना, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट है पर इतना ज़्यादा नहीं है जितना कि सिंपल सर्कुलर कर्व के क्वेश्चंस आते हैं. मतलब इसमें कुछ घुमाने वाला नहीं आएगा इसलिए इसको समझ लो या रट लो, लेकिन सिंपल सर्कुलर कर्व में घुमाने वाला आता तो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है. तो ये था आपका वर्टिकल कर्व, इसके ऊपर एक आध न्यूमेरिकल होगा तो नेक्स्ट क्लास में करा देंगे.
और नहीं होगा तो नहीं कराएंगे, देख लेंगे एक बार क्वेश्चन पेपर में एनालाइज कर लूंगा उसमें किस तरह का क्वेश्चन है उसी को करा देंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 31 स्टूडेंट हैं, किसी को कुछ डाउट पूछना है या कुछ कुछ भी पूछना हो तो पूछ ले, उसके बाद हम क्लास को लीव कर देते हैं। सर लेक्चर्स अपलोड नहीं है ग्रेट लर्निंग पर? नहीं, ये कोई बता तो रहा था कि टीम्स पे ही मिल जाते हैं, तो फिर ग्रेट लर्निंग की जरूरत क्या है लेक्चर की? सर मिलते नहीं है, चेक करे थे लेकिन है नहीं उस पे सर्वेइंग के। यस सर। अच्छा ठीक है, अब कल 2 दिन की छुट्टी है, इसमें लेक्चर भी अपलोड हो जाएंगे, तुम्हारी कॉपियां भी चेक हो जाएंगी, काम जो कॉलेज का था वो हो चुका है, 2 दिन में तुम्हें कॉपियां और लेक्चर सारे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है ओके ठीक है, चलो फिर क्लास को लीव कर ओके।